इन दिनों फिल्मों के अंदर कुछ एक्टर्स होते हैं जो विलेन के किरदार में नजर आए हैं, जैसे सूर्या एज ए रोलेक्स, जॉन अब्राहम एज ए जिम एंड संजय दत्त जो कुछ फिल्मों के अंदर एक नेगेटिव रोल प्ले किए हैं। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 बड़ी अपकमिंग ऐसे फिल्मों के बारे में जिस फिल्म के अंदर एक हीरो नेगेटिव किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में आता है ओजी। ओजी यानी कि ओरिजिनल गैंगस्टर, ये तेलुगु लैंग्वेज की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है सूजी। स्टीयरिंग पवन कल्याण, इमरान हाशमी एंड प्रियंका अरुल मोहन, जिसके अंदर इमरान हाशमी एक नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे, जिन्होंने रिसेंटली टाइगर 3 फिल्म के अंदर एक नेगेटिव रोल प्ले किया था, जिसको DBB इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है और इस फिल्म को दिसंबर 2024 के मौके में देखने को मिलेगा। नंबर 9 में आता है कैथी 2। कैथी 2 साल 2019 में रिलीज हुए एक एक्शन थ्रिलर मूवी कैथी का सीक्वल है, जिसका डायरेक्टर है लोकेश कनकराज और ये लोकेश कनकराज की LCU यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है, जिसके अंदर नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे राघवा रोलेंस, जिन्होंने जिगर ठंडा, XX एंड चंद्रमुखी जैसी फिल्म की है। एंड राघवा रोलेंस एक एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर भी है। सो कैथी 2 को बड़े बजट के साथ बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। सो कैथी 2 का शूटिंग 2024 के स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाली है, जिसको 24 के एंड तक देखने को मिल सकता है। नंबर 8 में आता है रामायणा। सो रामायणा हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक हिंदू माइथोलॉजिकल के ऊपर बेस्ड हुई फिल्म होने वाली, जिसका डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल एंड छिछोरे जैसी मास्टरपीस फिल्मों को डायरेक्शन दिया है। सो इस फिल्म के अंदर साउथ के एक बड़े सुपरस्टार यश नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। सो इसको लेकर कुछ फैंस निराश भी है और कुछ फैंस खुश भी है, जिसके अंदर रणबीर कपूर श्री राम जी के किरदार में नजर आएंगे, जिसको बड़े बजट के साथ बड़े स्केल पर बनाया जाएगा, जिसको 2025 के मौके में देखने को मिल सकता है। नंबर 7 में आता है कंगुआ। कंगुआ सुपरस्टार सूर्या की आने वाली एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जो बेसिकली तमिल लैंग्वेज की आने वाली एक एक्शन पीरियड फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है शिवा और मेन विलेन में नजर आएंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक काफी जाने माने कलाकार बॉबी देओल, और ये एक काफी खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आएंगे। सूर्या के अगेंस्ट में बॉबी देओल नजर आएंगे, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 11 अप्रैल 2024 के मौके में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 में आता है काल की 2898 AD। ये इंडियन सिनेमा की आने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव के साथ साथ एक काफी बड़ी साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है नाग अश्विन। स्टारिंग प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जी, कमल हसन जी एंड दुलकर सलमान जैसे और भी कलाकार, और इस फिल्म के अंदर कमल हसन जी एक नेगेटिव किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, और इस फिल्म को 600 करोड़ की बजट के साथ बनाया गया है। बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 12 जनवरी 2024 के मौके में रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 में आता है वॉर 2। ऑलमोस्ट सबको पता है वॉर 2 स्पाइन यूनिवर्स का हिस्सा है, एंड वॉर साल 2019 की वॉर का सीक्वल है, जिसके डायरेक्टर है आयन मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को डायरेक्शन दिया है। सो स्पाइन यूनिवर्स के मैक्सिमम फिल्मों के अंदर जो विलेन होते हैं वो एक हीरो ही होते हैं, जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, जैसे इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम, टाइगर श्रॉफ। एंड वॉर 2 के अंदर साउथ के सुपरस्टार NTR विलेन के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा ऋतिक रोशन एंड कैरा अडवाणी लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 2024 के मौके में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 में आता है देवारा। देवारा जूनियर NTR की आने वाली मच अवेटेड फिल्म होने वाली है, जो बेसिकली तेलुगु लैंग्वेज की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है कोरटला शिवा, जिसके अंदर सैफ अली खान विलेन के किरदार में नजर आएंगे, और सैफ अली खान इससे पहले तानाजी, आदि पुरुष, विक्रम बेदा, एक हसीना थी जैसी फिल्मों के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं, और सैफ अली खान के अगेंस्ट में NTR ये क्लैश तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 5 अप्रैल 2024 के मौके में रिलीज किया जाएगा।
नंबर 3 में आता है एनिमल। एनिमल हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक एक्शन क्राइम गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसका राइटर डायरेक्टर एंड एडिटर है संदीप रेड्डी भांगा, जिसके अंदर रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना के साथ और भी कलाकार नजर आएंगे। और बॉबी देओल इस फिल्म के अंदर विलेन के किरदार में नजर आएंगे, जो बेसिकली एक म्यूट विलेन है जो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। सो स्टोरी है, एक सिंपल लड़की से गैंगस्टर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि उसके पिता के साथ उसका रिश्ता टूटने लगता है और उसी बदले की आग में वो कुछ भी करता है, जो बेसिकली रणबीर कपूर एंड अनिल कपूर के ही इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म का स्टोरी। और उसके ऊपर बॉबी देओल का जो नेगेटिव कैरेक्टर है, भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग होगा इस फिल्म का स्टोरी। सो एनिमल फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार ने, जिसको टी सीरीज के बैनर तले बनाया गया है। और बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 1 दिसंबर 2023 के मौके में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2 में आता है रोलेक्स। सो साल 2022 में रिलीज हुए विक्रम फिल्म के अंदर सूर्या ने एज रोलेक्स के किरदार में एक कैमियो रोल किया था और क्लाइमेक्स में रोलेक्स की इस कैमियो को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और रोलेक्स एक विलेन होने के बावजूद भी लोगों ने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया था और तब से ही ऑडियंस डिमांड कर रहे हैं कि रोलेक्स के ऊपर एक फिल्म बने, जो ऑब्वियसली बनने भी वाली है और ये लोकेश कनकराज की एलसी यूनिवर्स का हिस्सा भी होने वाला है। जब सूर्या को पहले रोलेक्स के किरदार प्ले करते हुए अप्रोच किया था, तब सूर्या ने इस चीज को मना कर दिया क्योंकि सूर्या एक नेगेटिव किरदार प्ले करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद ही कमल हसन जी ने इस फिल्म के अंदर सूर्या को ऐसे रोलेक्स से किरदार प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद ही सूर्या ने हाँ किया। तो इस कैरेक्टर के ऊपर फिल्म को देखने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सो लोकेश कनकराज अभी कैथी 2 विक्रम 2 के बाद ही इस फिल्म के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कैथी 2 एंड विक्रम 2 फिल्म के अंदर भी रोलेक्स नजर आ सकते हैं। सो अभी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। नंबर 1 में आता है सलार। सलार प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म होने वाली है, जो बेसिकली दोनों पार्ट में बनने वाली है। और इस फिल्म के पहले पार्ट के अंदर नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमार और यही होंगे मेन विलेन सलार फिल्म के फर्स्ट पार्ट के अंदर। और पृथ्वीराज सुकुमारन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के अंदर भी नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, जो मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। आप अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। सो बात करते हैं सलार फिल्म के बारे में, तो सलार एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसके डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिसको 300 करोड़ की बजट के साथ हम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। और बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 के मौके में रिलीज किया जाएगा। सो यही था 10 बड़ी अपकमिंग ऐसे फिल्म्स जिस फिल्म्स के अंदर एक हीरो नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। इनमें से कौन से फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड कमेंट करके ये बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहे। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।